आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ अंबिकापुर का बस स्टैंड। जी हाँ, यह बस स्टैंड हम लोग देखने वाले हैं और सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे का यह स्वरूप देख रहे हैं बस स्टैंड अंबिकापुर का। और अंबिकापुर का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय बस स्टेशन है और यहाँ की बसें बस स्टैंड में पूरी खड़ी होती हैं। आज हम देख रहे हैं अंबिकापुर का स्वरूप बहुत ही खूबसूरत है और सुबह के 4 बज रहे हैं और बस स्टेशन में रुकने की भी व्यवस्था है। 2 से 5 घंटे आप रुक सकते हैं, उसके कुछ चार्ज लगते हैं। और चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, होटल, खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ अंबिकापुर की। और ठीक इसके नीचे अलग अलग ट्रेवल बसों की टिकट उपलब्ध होती हैं। आप अलग अलग जगहों पर जाने के लिए टिकट उपलब्ध करा सकते हैं। एक बार ऊपर से खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं अंबिकापुर का स्वरूप। चलिए चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ की बसें बस स्टैंड में खड़ी होती हैं और समय अनुसार बस यहाँ से निकलती हैं, अपने स्थान की ओर प्रस्थान करती हैं। और छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के आसपास लोकल के साथ साथ शहरों में भी ये बसें चलती हैं और यहाँ की बसें अन्य राज्य में भी चलती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोलकाता, झारखंड, यानी अन्य राज्यों में भी यहाँ की बसें चलती हैं बराबर और समय अनुसार छूटती हैं और अपने अपने समय पर साधन निकलती हैं, जैसे रांची, गढ़वा, चिरमिरी, अनूपपुर, कोलकाता, वाराणसी, रायपुर, सिंगरौली से कोरबा, विश्रामपुर, अलग अलग राज्यों के लिए बस उपलब्ध है। साधन लोकल के साथ साथ अन्य जगहों पर बसें चलती हैं। तो आज हम देख रहे हैं अंबिकापुर का बस स्टैंड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बस स्टेशन है। फिर मिलेंगे नए स्थान, नए वीडियो के साथ। नमस्कार।